वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का स्वागत है वंस अगेन एक ऑसम दिन में। और आज के दिन हम लोग हगी वगी की बात करेंगे। हाँ, वही नीला कार्टून। तो आज के दिन हम लोग उसे रियल लाइफ में देखने वाले हैं। वो काफी स्केरी है, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। ऑल राइट दोस्तों, हमारे सामने ये रहा अगला वीडियो। और वेट अ मिनट, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, और आए ये क्या, पीछे देखो वहां पे हगी वगी था। ओके यार, एक सेकेंड, वापस से देखते हैं हम लोग। ऑल राइट, ये रिपोर्टिंग कर रही है और मम्मी वहां पे हगी वगी गया है। ये कुछ भी बोलते हुए कितनी सुंदर लग रही है। निकल लो। ये तो उसने शायद से हगी वगी को इग्नोर कर दिया। ये क्या, ये क्या भाई, कैमरामैन के पीछे हगी वगी आ चुका है। हेलो नल्ले, उस प्यारी लड़की को डिस्टर्ब मत करो, उसे न्यूज बोल लेने दो। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये कैन डू जनरेशन है। यार सही में ये बहुत स्केरी है। लड़की वहां से भागने लगी और कैमरामैन भी उसके पीछे भाग रहा है। पर दोस्तों, कैमरामैन को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैमरामैन नेवर डाइज। क्या जोक मारा भाई। ये तो लड़की यहाँ पे आ चुकी है। ये यस मैडम बोलिए। ये लोग कुछ तो इंग्लिश में जो बात कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पर शायद से हमने लाइट को बंद कर दिया है। यो मैन, अभी ये हगी वगी की हाइट कितनी बड़ी है, ये सही में काफी जाइंट है। ओके, कैटनैप ज्यादा लंबा है या हगी वगी, आई डोंट नो, पर दोनों ही काफी खतरनाक है। ओके, तो अभी भी हम लोग न्यूज को रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग शायद से एकदम वायरल जाना चाहते हैं। यो हगी वगी, यो ओके, आए वो हमें देख न ले। अबे नल्ले छुप जा, अबे कैमरामैन छुप जा जल्दी से। सिट, उसने हमें देख लिया है। ओके वो गायब हो चुका है। मेरे ख्याल से दोस्तों इन दोनों का बहुत जल्द काम तमाम होने वाला है। हाँ, मेरी प्रेडिक्शन ऐसा ही कहती है। ये वो लड़की डर रही है। तुम मेरे पास आ जाओ, कम हियर। अबे ये बहन का। ओके, हम लोग वहां से भाग रहे हैं। हगी वगी वैसे कहाँ गया दोस्तों, कहीं वो मेरे खुशियों की तरह खो गया। वो तो सामने है। नाइस, यो हगी, यो ब्रो। ऑलराइट, तो हमने कैमरे को भी रख दिया है। हमने कैमरे को रख दिया, कैमरा गया भाड़ में दोस्तों। चलो जान बचाते हैं। आए हगी वगी व्लॉग शूट कर रहा है शायद से। हगी वगी जल्दी से बोलो, हे गाइज व्हाट्सअप, स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। सोशल मीडिया का पहला ऐसा बंदा हूँ मैं, सुपरस्टार हूँ, जो लड़की बाजी नहीं करता। हगी वगी अपना व्लॉग शूट कर रहा। ये ऑसम वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। और एक सेकेंड, बैकग्राउंड में कोई तो इंग्लिश में बोल रहा है जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। पर कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हम लोग किसी कमरे के अंदर हैं। ये दोस्तों एक किसी बच्चे का कमरा है, इसके अंदर काफी ब्यूटीफुल पेंटिंग है। ओके, ओ माय गॉड, दिस वेरी ब्यूटीफुल, वाओ। एक सेकेंड, मैं तो सिग्मा हूँ, अपन ये सब चीज पे फोकस नहीं करेगा, चलो वीडियो पे फोकस करते हैं। ओके, तो हम लोग शायद से किसी पुरानी कहानी को सुन रहे हैं। ओके, मेरे ख्याल से दोस्तों ये देखो, ये एक बेटी है। हाँ, वो मेरे ख्याल से बेटी ही लग रही है। और ये इनकी मम्मी है, मेरी भी मम्मी है। कंट्रोल। ऑलराइट, तो बेसिकली हम लोग एक कहानी सुन रहे हैं। अब आई डोंट नो वो जो है एक सच्ची कहानी सुना रही या फिर एक बुक की कहानी। अबे नल्ले, तूने उसे छुआ कैसे, उसे सिर्फ मैं छू सकता हूँ। ओके नाइस, काफी ब्यूटीफुल वीडियो है दोस्तों। इसको तो मैं जहाँ देख लेता हूँ मेरा मूड अलग खराब हो जाता है।
ये क्या हो रहा है? यो मैन, वो जो आदमी था वो हगी वगी बन रहा है, ये क्या चल रहा है? आई डोंट नो, पर मजेदार है। ओके, इसका जो मुंडी है वो हगी वगी के मुंडी में कन्वर्ट हो चुका है। लड़की की काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है, तुम यहाँ आ सकती हो। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। यो मैन, इसका पैर भी हगी वगी के पैर में कन्वर्ट हो चुका है। ये कपड़े में कितना अजीब लग रहा है, पर कोई नहीं, आगे देखते हैं। यार ये हगी वगी कैसे बन गया? ऑल राइट, तो ये हगी वगी बन चुका है और लड़की का सारा प्यार गया खेत में दोस्तों। ये तो अब उसी को देख के चिल्लाने लगी है। सो बैड हुआ, मैं होता उसकी जगह तो तब भी इससे प्यार करता। ओके अबे ये तो लड़का निकला, मेरे को लगा था ये एक लड़की है। ऑल राइट, ये लोग इंग्लिश में इतना बात क्यों करते हैं मैं समझ नहीं पाता हूँ। ऑल राइट, तो ये अच्छा, ये जो लड़का था जो कि हगी वगी में कन्वर्ट हो चुका है, ये अब अपने पेरेंट्स के घर पे आ चुका है, अपने मम्मी पापा के पास, कि शायद से इसके मम्मी पापा इसे पहचान लें। ओके, ये इसके पापा है दोस्तों, काफी बदसूरत है। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। ऑल राइट, वो जो है बुक रीडिंग कर रहे हैं, उसकी ये मम्मी है, उसके पेरेंट्स भी इसे पहचान नहीं पाए। ओके, वो दोनों इसे मॉन्स्टर कह रहे हैं। ओके, तो ये अब अपने बेस्ट फ्रेंड के पास आ गया है। तो मैं कुछ कुछ इंग्लिश समझने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं समझ नहीं पा रहा। ऑल राइट, तो ये अपने बेस्ट फ्रेंड को खोज रहा है। अबे इसके बेस्ट फ्रेंड का घर तो कुछ ज्यादा ही मस्त है। नहीं, मैं जल नहीं रहा हूँ। ऑल राइट, उसका बेस्टी किधर है ब्रो? ओके, उसका बेस्ट फ्रेंड उसे पहचाना कि नहीं? It's me, John. उसके बेस्ट फ्रेंड की भी हालत खराब हो चुकी है। अबे नल्ले, तेरे को कोई कैसे पहचान सकता है? तो इतना वाहियात और मनहूस जो दिख रहा है। वैसे दोस्तों अभी तक ये काफी सैड सैड सा लग रहा है, मेरे को हगी बगी को देख के बुरा लग रहा है। ओके, तो इस नल्ले का नाम जॉनी है। हाँ, जॉनी हगी वगी में कन्वर्ट हो चुका है, अब वो कैसे मॉन्स्टर बना मेरे को नहीं पता। ओके, यहाँ पे आग जल रही है, काश दोस्तों इस आग में मेरे दुख खत्म हो जाते जल के। तो हगी वगी एक आग के सामने बैठा हुआ है, वो रो रहा है दोस्तों। मेरे को भी रोना आ रहा, तुम लोग लाइक करो उसके लिए। क्या मतलब मैं इमोशनल ड्रामा कर रहा हूँ? ओके हगी वगी चुप हो जाओ तुम। ऑल राइट, सब लोग उसे छोड़ दिए हैं, जॉनी जब से हगी वगी बन चुका है सब लोग उसे छोड़ दिए, कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा है। मैं तो दोस्तों बिना कुछ बदले भी मेरे को कोई नहीं पहचानता है पूछता है। ऑल राइट, अब एक सैड सॉन्ग शुरू हो चुका है। अबे ये कौन सी जगह है ब्रो लोग, ये कौन सी जगह है, कितनी ब्यूटीफुल है, पर एक सेकेंड, वो ज्यादा ब्यूटीफुल है। चुप, ये क्या, वो अपने दोस्त का फोटो देख रहा है पानी में। ओ, वो याद कर रहा है बेसिकली। सैड सॉन्ग है। अबे यार ये गाना मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बस मेरे को काफी ज्यादा सैड कर रहा है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, वहां पे एक औसम कार है। काश मेरे पास भी कार होती, पर अपन तो गरीब है। लाइक फॉर ए कार। ऑल राइट, तो वो सामने की तरफ शहर को देख रहा है, वो अभी भी नल्ला पैर सेक रहा है आग के सामने। क्या कर रहा है
यार मेरे को वैसे अभी तक समझ नहीं आया कि ये जो जॉनी इंसान था वो मॉन्स्टर आखिर बन कैसे गया। ओके कैसे हंस रहा है नल्ला जी, कैसे बहुत अजीब हंस रहा है। आई ये क्या, ये आराम कर रहा है नल्ला, कहीं का फ्री में बस लेटा पड़ा है। अबे कुछ काम धंधा कर ले, कुछ उपाय खोज ताकि तू नॉर्मल हो सके। And after it? भाई इसकी आंख है कि समुंदर है, मैं तो डूब जा रहा हूँ इसके अंदर। I am under the water. Please help me. People started hunting him. Oh, तो अब लोग जो है हगी बगी को हंट कर रहे हैं। ओके, तो शहर के सारे लोग हगी बगी को एक मॉन्स्टर समझ रहे हैं, इसलिए सब लोग इस बेचारे को हंट कर रहे हैं, जबकि ये तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है, ये तो एकदम सही है ब्रो, लोग बहुत बेकार हैं। Not to be caught. Yo. To come to the city only at night. Yo. तो basically लड़की कुछ कह रही है, अब कुछ तो कह रही है, बस मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। All right. तो ये अब रात के समय निकला है। ओके, तो ये रात में निकला है ताकि कोई इसे पहचान के दौड़ा न सके। ओके, तो ये कैसे दबे पांव जा रहा है रात में। दोस्तों मैं भी फ्रिज के तरफ ऐसे ही जाता हूँ दबे पांव। ऑलराइट, तो ये खाना चुरा रहा है। अबे नल्ले तू कुछ काम धंधा करके कमा ले खा ले, चोरी क्यों कर रहा है। टेस्टी केक दोस्तों, मेरे को भी मन कर रहा है पर मेरे पास पैसे ही नहीं है। ऑलराइट, हगी पगी को भी केक खाने का मन कर रहा है और इसने किसी का फ्रिज खोल दिया। ये मेरा तो मूड सही हो जाता है जब मैं इसे देख लेता हूँ। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ओके, तो ये जो लड़की फोन पे शायद से कुछ व्लॉग शूट कर रही है या फिर रील वील बना रही होगी, शायद रील बना रही है, ये रील बना रही है वो। ओके बच के मैं भी उसके प्यार में ऐसे ही गिर पड़ा था, फिसल गया था। ऑलराइट, तो इसका पैर फंस गया है, मेरे ख्याल से हगी वगी यहाँ पे आएगा और ये इसकी मदद करेगा। ये इसे देख के डर गई वो बेहोश हो गई। ऑलराइट, तो हगी वगी उसकी मदद कर रहा है कि नहीं। ओ, हगी वगी ने उसका पैर निकाल दिया और फिर उसे यहाँ पे छोड़ दिया। ऑलराइट, तो ये अभी भी बेहोश है पर हगी वगी ने इसकी मदद कर दी। यार सही में हगी वगी काफी अच्छा आदमी है। एक सेकंड, वो आदमी नहीं है, हाँ वो अच्छा मॉन्स्टर है। Please, ओ हगी वगी उसे मारना नहीं चाहता है पर लड़की डर रही है। वो उसे प्रपोज कर रहा है। वाओ, सो क्यूट एंड एडोरेबल ब्रो लोग। पर इन दोनों शब्दों का मतलब मेरे को बस नहीं पता है। ओ, वो पढ़ चुकी है, नाइस। चलो अच्छा हुआ कम से कम हगी वगी के साथ कुछ तो अच्छा हो रहा है। एक सेकेंड, ये तो वही लड़की है, ये वही लड़की है जो कि स्टोरी सुना रही है। ऐसा तो नहीं एक रियल स्टोरी है, ऐसा तो नहीं वो लड़की असल में अपनी खुद की प्यार की कहानी को बता रही है। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। नाइस, तो ये दोनों अब दोस्त से धीरे धीरे कुछ और बन रहे हैं। ऑल राइट, तो ये दोनों बेसिकली लव में आ चुके हैं। पता नहीं गाने में क्या लिरिक्स है पर जो भी ये सुनने में अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये दोनों लोग डांस कर रहे हैं, हगी वगी ताली बजा रहा है। आप लोग भी फटाफट से ऐसे ताली बजा दो मेरे शानदार कंटेंट के लिए। निकल अरे निकल। ऑलराइट,
तो ये दोनों लोग बात कर रहे हैं, ये दोनों लोग अच्छे दोस्त बन चुके हैं बेसिकली, और लड़की को पता चल चुका है कि हगी वगी एक अच्छा मॉन्स्टर है। ओके, ये दोनों लोग इस सीन को एंजॉय कर रहे हैं। ये क्या होने वाला है, ये क्या हो रहा है दोस्तों? और ओ, ये दोनों प्यार में पड़ते ही हगी वगी नॉर्मल हो चुका है, वो मॉन्स्टर नहीं रहा। ओ मैन, इस लड़की ने इसे फिक्स कर दिया। काश मेरे को भी कोई फिक्स कर देता। ऑल राइट, आगे देखते हैं। तो अच्छा, ये लड़की कह रही है कि उन दोनों का एक बेबी भी होता है। ऑल राइट, वो लड़का सो चुका है और मेरे ख्याल से ये खुद की ही लव स्टोरी को बता रही है। ऑल राइट, यो मैन, कसम से ये हगी बगी की रियल वीडियो बहुत अमेजिंग है, कसम से। तो ये वही लड़का है जो कि एक समय पहले हगी वगी था। ओके, तो मतलब वो जो नल्ला बच्चा लेटा हुआ था, जो कहानी सुन रहा था, वो हगी वगी का बच्चा है। ऑल राइट, ये वीडियो काफी मस्त है ब्रो लोग, कसम से। ओके, तो राइट साइड में वो रहा हगी वगी और लेफ्ट साइड में ये रही वो लड़की जिसने हगी वगी को फिक्स किया था, और ये अपनी रियल लाइफ लव स्टोरी बता रही थी। अबे नल्ले, फिर तूने उसे टच किया? ऑल राइट, तो इसी के साथ ये ऑसम प्यार भरा अमेजिंग वीडियो खत्म हो जाता है। यो मैन, तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग एक बालकनी के अंदर हैं और सामने कितने सारे बिल्डिंग हैं जो मेरे औकात से बहुत बाहर है, पर सामने की तरफ वो रहा रियल लाइफ हगी वगी। क्या बात है, ये कितना ऑसम लग रहा देखने में। उसके सामने हेलीकॉप्टर कितना बच्चा लग रहा है। आए, उसने ब्लास्ट कर दिया। वाओ दोस्त, वाओ, मेरे दुखों को भी खत्म कर दो। यो मैन, ये बहुत डेंजरस है, और वीडियो खत्म हो गया बेसिकली। ऑल राइट मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से ये सेकंड वीडियो देखते हैं, और हमारे सामने का नल्ला बच्चा है, और ये कौन है? ओके, सामने का हगी वगी टॉय है। ओ माय गॉड, ये जिंदा है। और एक सेकंड, ये तो गाना बजने लगा दोस्तों। वाओ, ये एक सैड म्यूजिक है। हम लोग रो सकते हैं इस गाने को सुन के, पर कोई नहीं, हम लोग इसे एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। हगी वगी ने एक बोल्ड लिया है, आई नीड ए फ्रेंड। हगी वगी का कोई भी दोस्त नहीं है, इस वजह से ये नल्ला काफी ज्यादा दुखी है। वैसे दोस्तों, इस वाले वीडियो में हगी वगी बहुत रियलिस्टिक लग रहा। ओ माई गॉड, ये तो कोको कोला है यार, मेरे को सालों हो गया कोको कोला पिए। ओ माई गॉड, हगी वगी बहुत सैड है। हगी वगी एक बीच के किनारे पे आ चुका है। ओके यार, वैसे ये कितना क्यूट और एडोरेबल लग रहा है। वैसे एडोरेबल का मतलब क्या होता है? ओके, वहां पे चांद निकला है। हगी वगी शायद कुछ सोच रहा है, वो एक लड़की की कहानी सोच रहा है। अबे हगी वगी, तू बहुत नॉटी हो रहा है। हगी वगी के भी लाइफ में एक लड़की है। ओ माई गॉड, तो हगी वगी मेरे ख्याल से एक लड़की के साथ काफी अच्छा दोस्ती किया हुआ था। हगी वगी को उस लड़की ने छोड़ दिया। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और सामने की तरफ एक लड़की है और एक कुत्ता है। यार कुत्ते के भी लाइफ में लड़की है और हगी के भी लाइफ में लड़की है, बस मैं ही वेला हूँ। और यहाँ पे कुत्ता और लड़की खेल रहे हैं। वाह, वेरी वेरी टेस्टी लड़की, अरे वेरी ब्यूटीफुल लड़की है, क्या बोल रहा हूँ। ओके, नाइस दोस्ती, नाइस। हगी वगी खुश है, हगी वगी खुश है, पर दोस्तों ये नल्ला ना खुश होने पे भी बहुत डरावना ही लगता है। ये देखो, खुश भी है तो ये डरावना ही लग रहा।
हगी वगी आगे जा रहा है। हगी वगी एकदम सैड हो गया क्योंकि उसे याद आ रहा है अपनी दोस्ती के बारे में। यार लड़की, तुमने हगी को छोड़ के अच्छा नहीं किया। यार ये कितनी राजाओं वाली जिंदगी जी रहा है। ओके, ये लोग खेल रहे हैं। नाइस नाइस। और मेरी जिंदगी मेरे साथ खेल रही है। हगी वगी बहुत मेहनत से खेल रहा है। इसकी लाइफ दोस्तों कितनी मस्त और सॉल्टेड है। हगी देख रहे हो दोस्तों, ये नल्ला खुश होने पे भी डरावना ही लगता है। हाँ ये तो एकदम प्योर सत्य है। ओके वेरी ब्यूटीफुल बीच। वैसे वीडियो तो अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है वीडियो की। हगी वगी सैड हो चुका है दोस्तों, मतलब ये वीडियो में हगी वगी केवल सैड ही सैड है क्योंकि एक लड़की उसे छोड़ के चल चुकी है। हगी वगी जा रहा है और एक सेकेंड फुटबॉल है। हगी वगी मारा फुटबॉल को, या गोल। ये क्या सोच रहा है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, वो फुटबॉल नहीं खेल सकता। ओहो ये गलत है मात। कोई बात नहीं हगी वगी, हमारे साथ ऐसा ही होता है। हगी वगी चलते चलते यहाँ पे आ चुका है। ये नल्ला लड़खड़ा क्यों रहा है, पता नहीं, शायद फुटबॉल से उसका पैर टूट चुका है। नाइस हो गया दोस्तों ये तो। अबे साले। ओ हगी वगी बस करो, नल्ले रुलाओगे क्या? आओ। ओ सामने एक लड़की है, वो लड़की वापस आ चुकी है। ओ माय गॉड, ये तो हैप्पी एंडिंग हो गया। क्या कर रहा है? हैप्पी एंडिंग हो गया दोस्तों, लड़की जो है हगी वगी के पास वापस आ गई। वेरी नाइस वीडियो, वेरी नाइस। यो क्या बात है, चलो फटाफट से ये वाला भी वीडियो देखते हैं। वैसे एक सेकेंड, ये तो मेरे ख्याल से एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है और तुम लोग देख सकते हो, हम लोग घर के चारों तरफ देख सकते हैं। क्या बात है, वेरी ब्यूटीफुल घर। क्या मतलब, मेरे को जलन हो रही है। ओके इस घर को देखते हैं, सामने टीवी चल रहा है। वैसे मेरे को हग्गी वग्गी नहीं दिख रहा। ओ ओ क्या बात है, लेफ्ट साइड में वो रहा हग्गी वग्गी। पर ये मेरे को जरा भी रियल लाइफ वाला रियलिस्टिक हगी वगी नहीं लग रहा है। यो हगी वगी वहां से गायब हो चुका है। और दोस्तों तुम लोग कहना चाहते हो कि मैं इसे रियलिस्टिक समझूं? ये किस तरफ से रियल लाइफ हगी वगी लग रहा? बड़े वाहियात लग रहे हो तुम हगी वगी। ये कैसा नल्ला हंसी है यार, इससे अच्छा तो मेरा दोस्त हंस लेता है। ओके तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेंज हो चुकी है, अब हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुके हैं। वो रही दोस्तों हगी वगी की बंदी। हाँ उसके पास भी बंदी है। यो तो ये रहा घर। नाइस, किसी मिसी नल्ली किधर गई? ओ नाइस, पर मेरे को जरा भी डर नहीं लगा। आहा भाई मैं बहादुर की गचड़ इंसान हूँ। बाय बाय हगी, अरे मेरा मतलब किसी मिसी, बाय बाय। वैसे दोस्तों ये देखो, घर के चारों तरफ और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हगी वगी और किसी मिसी का ये नल्ला वीडियो था। ओहो दोस्तों क्या बात है, फटाफट से हम लोग एक और हगी वगी का वीडियो देखते हैं। और एक सेकेंड, तुमने शुरुआत में देखा, हेलो नल्ले तुम जरा भी रियलिस्टिक नहीं लग रहे हो, पर हाँ शुरू की दो वीडियोज मस्त थी। यो मैन, तो ये बेसिकली घर के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। वैसे दोस्तों ये भी घर ठीक ठाक है। हाँ ठीक है। ओ हगी वगी नल्ले बच्चे या। ओके नाइस नल्ले, तुम ना बहुत वाहियात दिखते हो कसम से। ओके अबे ये क्या एड़ा है क्या, ये घर के चारों तरफ चक्कर क्यों लगा रहा है? और कोई नहीं, देखने में तो सही लग रहा है। और हम लोग बेडरूम में आ चुके हैं। और भाई ये कैसा कोठी बंगले वाला बेडरूम है। हाँ मैंने ऐसा बेडरूम तो नहीं देखा। ओके अब वो बाथरूम में क्यों जा रहा है? हो सकता है दोस्तों उसे इमरजेंसी आई हो, हगी वगी इसलिए बाथरूम गया है। ओ हो लो भाई तुम भी हो जाओ। ओके हगी वगी बाथरूम यूज कर लिया है, चलो वो हॉल में आ गया। एक सेकंड, उस नल्ले ने मेरा सूटकेस चोरी कर लिया। अबे नल्ले मेरा सूटकेस वापस दे।